विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द फोर्स 7i कैप + 3j कैप - 5k कैप एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज i कैप - j कैप + k कैप। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ अ गिवन फोर्स अबाउट द ओरिजिन। ये क्वेश्चन से पूछने के लिए पूछा है, देयर इज नॉट मच, जस्ट टू चेक इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। r बार क्रॉस f बार, r बार आपको दिया हुआ है, i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और f भी दिया है, और आपको पता होना चाहिए यू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो i कैप जे कैप के कैप, पहले r है तो पहले r के कंपोनेंट्स आएंगे 1 - 1 + 1, 1 - 1 एंड + 1, फिर f 7 3 - 5, एंड देन ऑब्वियसली यू शुड रिमेम्बर हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बाहर रखते हो, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम, -1 1 3 एंड -5। इसके बाद क्या करते हो, माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 1 1 7 - 5। इसके बाद प्लस प्लस के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 - 1 7 3 1 - 1 7 एंड 3। इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको, आई कैप दिस इज माइनस माइनस मतलब प्लस -3, माइनस जे कैप -5 - 7, प्लस के कैप 3 + 7 10। तो हो गया सॉल्व, दिस इज बेसिकली 2i कैप, दिस इज बेसिकली +12 j कैप एंड +10 k कैप। तो दिस इज टॉर्क 2 12 10 2 12 10, है क्या ऑप्शन में? नहीं है तो यहाँ पे करेक्शन होगा, 2 क्या था 2 12 10, तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया, डन। आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट दिस, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट फॉर यू टू रिकॉल डिटर्मिनेंट्स सॉल्व कैसे करना है और फॉर्मूला क्या है। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर, यू हैव अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, आना चाहिए था वहां पे, तो यहाँ पे दे शुड राइट ओमेगा, हियर यू शुड राइट ओमेगा ओमेगा। इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, ये भी सिंपल है, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, डिस्क होता है ना, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होता है, क्या होता है, mr² / 2। तो mr² / 2 और ओमेगा स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन खत्म, 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। गुड, अगेन आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, थोड़ा आएगा डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा अभी। टू मासेस ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। तो हमारे पास एक मासलेस रॉड है, यू हैव अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l, मास मास दिया है क्या इसके रॉड का, दिया है, यस और नो? अरे, टू मासेस ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रिजिड मासलेस रॉड, मासलेस रॉड, तो रॉड का मास लेना है क्या, नहीं, तो मास सिर्फ किसका आएगा, इन दोनों बॉडीज का, इसका मास m1 मान लो और दोनों सेम ही बोले हैं, तो इसका मास कितना है m, इसका कितना है m, दिस इज 1 दिस इज 2। आपको पूछा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, रॉड का मास नहीं है, इसका मास और इसका मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, मतलब हियर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो कैसे फाइंड करोगे, कल ही बताया था मैंने, व्हाट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड, तो i1 + i2। टोटल टोटल लेंथ कितना है रॉड का, l, तो
एक्सिस ऑफ रोटेशन से पहले का डिस्टेंस कितना है, दूसरा कितना है एल बाई टू। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, एम आर स्क्वायर। तो आई वन और आई टू आ जाएंगे सेम, क्योंकि दोनों का मास है सेम, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई फोर। देयरफॉर आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर कितना, एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई टू, एम एल स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन नंबर बी। गुड, अगेन नहीं नहीं जब तक लेवल ऐसे है तब तक यू विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 आरपीएम, आरपीएम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एन, तो एन कितना दिया है 420, स्लोज डाउन एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोज डाउन, स्पीड कम होना, मतलब डीएक्सेलरेशन होना, मतलब रिटार्डेशन होना। तो ये जो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ये अल्फा है विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील इज, तो देखो ऐसा है, आपके पास इनिशियल फ्रिक्वेंसी दिया था कितना है 420 रिवोल्यूशन पर मिनट, यहां से आपको आरपीएस मिल जाएगा डिवाइड बाय 60, दैट इज आरपीएस। तो दिस इज वन एंड दिस इज सेवन, तो 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आ गए। यहां से आपको ओमेगा भी मिल जाएगा, व्हाट इज ओमेगा, 2πn, 2πn दैट इज 2π इनटू 7, तो दैट इज इक्वल टू 14π बेसिकली। गुड, आपको अल्फा बता दिया है, व्हाट इज अल्फा, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनली फ्लाईव्हील विल स्टॉप, मतलब ओमेगा फाइनल इज 0। And they are asking you what is the time required. कौन सा formula? Omega final equal to omega initial plus alpha t 0. Omega initial कितना है? 14 pi. 14 pi minus alpha की value है 2 और यह आ गया t. तो so, 2t equal to 14 pi. तो so, t equal to 7 pi. What is the value of pi? 22 by 7, cancel, तो कितना आएगा 22, option number A, done, fine. Next question. An athlete throws a discus. अभी ये एथलीट थ्रोज अ डिस्कस, आई डोंट नो इफ यू सी ओलंपिक्स अगर देखते होंगे तो डिस्कस थ्रो मतलब एक डिस्क होता है, एथलीट डिस्क अपने हाथ में रखता है, देन ही बेसिकली डज दिस और ऐसा घूमते घूमते थ्रोज द डिस्क। देखा है कभी? नहीं देखा है तो आज गूगल कर लेना डिस्कस थ्रो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उससे रिलेटेड है, अनलेस यू नो दैट, जब तक तुमको वो नहीं पता, मतलब द आइडिया यर इज डिस्क पहले हाथ में है और एथलीट क्या करेगा, पहले पूरा सब खुद पीछे जाता है राइट, फिर वो हाथ को घुमाता है और बाद में रिलीज करता है। तो यहां से यहां तक मतलब रिलीज करने से पहले ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का एक्सेशन हो गया। रिमेंबर बिफोर थ्रोइंग ही इज मूविंग हिज हैंड, दिस इज सर्कुलर मोशन। तो डिस्कस हाथ में है, अभी थ्रो नहीं किया, तो ऐसा जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा तो जो डिस्क उसके हाथ में है इट विल फर्स्ट एक्सेलरेट, बाद में रिलीज होगा वो। An athlete throws a discus from rest to a final angular velocity of 15 radian per second in 0.270 second before releasing it. मैंने इसलिए बोला ना, release करने से पहले ही उसका acceleration हो गया। During acceleration, discus moves a circular arc. अभी बताया मैंने, it moves in a circular arc of radius 0.810 meter. Acceleration of the disc before it was released. Okay, simple question है। चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ टू गिव यू मोर आइडिया अबाउट दिस। सो यू हैव एन एथलीट हियर, अभी एथलीट क्या करेगा, इसको डिस्कस थ्रो करना है। तो सबसे पहले ही विल बेसिकली, यहाँ पे डिस्क है उसके हाथ में, वो पहले तो डिस्क को पूरा अपने हाथ में रख के घुमाएगा और फिर रिलीज करेगा।
तो ये जो पार्ट है दिस बिकम्स आर्क ऑफ अ सर्कल, और इस पॉइंट पे आके रिलीज कर दिया, अभी इसको भूल जाओ, इस पॉइंट पे आके रिलीज हो गया, तो इस पॉइंट पे आने के बाद डिस्क इज रिलीज्ड। ओके गुड, तो ये जो आर्क बना इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है, 0.810 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज आर, आपको आर की वैल्यू दी है। देन एथलीट थ्रोज अ डिस्कस फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा इनिशियल 0 टू अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा फाइनल इक्वल टू 15 रेडियन पर सेकेंड इन टाइम, टाइम टी आपको दिया हुआ है 0.270 सेकेंड्स बिफोर रेजिंग इट ड्यूरिंग एक्सेशन। डिस्कस मूव द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 0.810 मीटर। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्कस सिंपल है, ए इक्वल टू आर अल्फा, सिंपल, ए इक्वल टू आर अल्फा। बोलोगे वाई टेंजेंशियल, ओ तो टेंजेंशियल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ए इक्वल टू आर अल्फा। व्हाट इज अल्फा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। आर कितना दिया हुआ है, 0.810, ओमेगा फाइनल कितना दिया हुआ है 15, ओमेगा इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है 0.270। सो यू इफ यू नो द टेबल ऑफ 27, पता है सीधा, दिस इज वन जा, दिस इज थ्री जा, बट 15 × 3 कितना 45, तो 45 है क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर ए, डन। तो ओवरऑल क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ जिसको वो डिस्कस क्या है वो पता नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोप ऑफ निग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम, सिर्फ कल सॉलिड सिलेंडर था, आज हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। ऑफ मास 3 किलोग्राम, रेडियस 40 सेंटीमीटर, इफ द रोप इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, कल 25 न्यूटन था, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर इज, सब कुछ सेम है, द क्वेश्चन इज मोर और लेस सेम। तो वॉट यू हैव इज अ सिलेंडर, दिस टाइम हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर इज जस्ट लाइक अ रिंग, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, दैट इज वॉट यू नीड टू नो। तो वॉट यू हैव इज दिस, आपके पास ऐसा है, इसके ऊपर एक वायर को आपने वाउंड करके रखा है, तो यू हैव अ वायर विच इज वाउंडेड ऑन टू इट, एंड देन आप इस वायर को पुल कर लोगे विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। आपको पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो मैंने कल ही बता दिया था, ये सिलेंडर रोटेट होगा, रोटेट होगा मतलब इस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन नंबर वन, बट टॉर्क इन टर्म्स ऑफ फोर्स इज आर इन टू एफ इक्वेशन नंबर टू, एंड फ्रॉम वन एंड टू यू हैव आई अल्फा इक्वल टू आर एफ, आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, अल्फा, अल्फा इक्वल टू आर एफ अपॉन आई, और आई फॉर अ होलो सिलेंडर इज एम आर स्क्वेयर, एक आर हो गया कैंसल, तो यू विल हैव अल्फा इक्वल टू एफ, एफ कितना है 30, आर कितना है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, राइट, और एम मास कितना दिया हुआ है 3, कितना है मास 3, 1 जा एंड 10 जा, तो अल्फा इक्वल टू 10/4 और यहाँ पे अल्फा 10, क्योंकि 0.4 × 10⁻¹ ऊपर गया तो कितना आ गया अल्फा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। गुड गुड, तो अगेन आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट डाउन दिस थिंग, ये सिर्फ इसके लिए था कि जस्ट फॉर क्विक रिकैप। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या, ऐसा क्वेश्चन थीटा इक्वल टू 2t³ - 60² हुआ था क्या, नहीं, चलो ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय इक्वेशन, अरे इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारे पास एक व्हील है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ व्हील, इस व्हील पे एक पॉइंट है,
जब व्हील रोटेट होगा तो पॉइंट भी मूव होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हील का रोटेशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉक। एनीवेज, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस पॉइंट विल ऑल्सो मूव। तो सपोज यहाँ पे था इनिशियली, या यहाँ कहीं पे भी ले लो, लेट अस से इट वाज हियर। तो इनिशियली यहाँ था, अब जैसे जैसे व्हील मूव होगा, रोटेट होगा, वैसे जैसे पॉइंट भी मूव होगा, तो क्या चेंज हो रहा है? थीटा। थीटा इज चेंजिंग विद टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 2t³ - 60² ओके। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो, वेरी गुड। देखो टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो एट, मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? आई अल्फा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आई तो जीरो हो नहीं सकता ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, तो जीरो है नहीं। ओनली एक ही केस है, पॉइंट मास, और अगर वो पॉइंट मास खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हो तो जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। व्हील क्या है? डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा क्या? नहीं हो सकता, दैट इट कैन नॉट बी जीरो। तो टॉर्क इज जीरो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज जीरो, गुड। तो अल्फा कैसे फाइंड करोगे, कैसे करोगे? अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, पर फिर ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। तो पहले ओमेगा फाइंड करो, फिर अल्फा फाइंड करो, फिर अल्फा को इक्वल टू जीरो लिख दो, क्योंकि अल्फा जीरो मतलब टॉर्क जीरो। तो दो बार डेरिवेटिव लेना है, तो पहले ओमेगा निकाल लेंगे, सिंपल है। दो बार डेरिवेटिव लेना है, टू कॉन्स्टेंट है, t³ का डेरिवेटिव कितना होता है? 3t² × 2, 6t². 6 कॉन्स्टेंट है, t² कितना होता है? 2t, मतलब -12। फिर अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, 6 कॉन्स्टेंट है, 12t, -12 राइट। सो टॉर्क इक्वल टू जीरो इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, तो देयर फॉर अल्फा क्या है? 12t - 12 = 0, मतलब टी इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे हो जाएगा आपका टॉर्क जीरो, ऑप्शन नंबर ए, डन। तो होपफुली डन डन। तो टॉर्क जीरो मतलब अल्फा जीरो, दैट इज द बेसिक आइडिया। अगला क्वेश्चन, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर अबाउट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस इज, सिंपल है, क्या फाइंड करना है आपको? एल, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एल? आई ओमेगा, व्हाट इज आई? mr² / 2 इंटू ओमेगा। एम कितना दिया हुआ है? 20। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2, मतलब 20 × 10⁻¹ उसका स्क्वायर अपॉन 2। ओमेगा कितना है? 100। 1 × 10⁻¹, 10⁻², और 10⁻², कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 10⁻¹⁴। तो क्या आएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ इट इज गुड गुड क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स, डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स। तो परसों के दिन जब मैंने पूरा आपको रिवाइज करके दिया, मैंने दो टेबल आपको बताया था, और मैंने बोला था कि ये दो टेबल में 25 to 30 क्वेश्चंस है। उसमें हमने टाइम ऑफ डिसेंट भी देखा था, टाइम ऑफ डिसेंट वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिनको याद नहीं, वापस मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, बट एनी वेज पहले क्वेश्चन देख लो। अ सॉलिड स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर मतलब बॉडी सेम है, रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन, ओके।
In both cases, the speed and time of descent will be same. The speed will be same, but time of descent will be different. Of course, option number B. The speed will be different, but time of descent will be same. No. Speed and time of descent both are different. अब ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, हमारे पास दो इंक्लाइन प्लेन है, हाइट सेम है, हाइट सेम है, बट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट है. हो सकता है? यस, होता है, ऑब्वियसली होता है. देखो ये दोनों इंक्लाइन प्लेन सेम हाइट के है रफली रफली, लेकिन एंगल दोनों का अलग अलग है. तो एंगल ओवर हियर इज लेट अस से थीटा वन और दिस इज थीटा टू. यू हैव सेम सॉलिड स्पीयर रोलिंग डाउन बोथ. गुड. हाइट सेम है, हाइट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाइट इज सेम, ये भी एच और ये भी एच. तो अगर आपको याद होगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो जो v है वो h पे डिपेंड करता है और k स्क्वायर बाय r स्क्वायर पे, क्योंकि g तो कांस्टेंट है वैसे भी. h सेम है, यस. दोनों केस में बॉडी सेम है, यस. तो h k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज आल्सो सेम. तो स्पीड इज सेम, दोनों केस में स्पीड सेम होगा. लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट अगर आपको याद होगा, मैंने डिराइव करके दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ, नॉट बिग डील. v इक्वल टू u प्लस at. इनिशियल वेलोसिटी दोनों में जीरो ही होता है, तो v इक्वल टू at. तो t इक्वल टू v बाय a. तो t इक्वल टू v है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और a है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. गुड. अब देखो बाकी तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी करके दिया है. प्लेन का हाइट सेम है, ये कांस्टेंट है, बॉडी सेम है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज थीटा. मतलब टाइम ऑफ डिसेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग रहा तो टाइम ऑफ डिसेंट भी अलग अलग होगा. तो वही तो था ऑप्शन नंबर बी. स्पीड विल बी सेम, यस, बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट. डन, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन. तो वी इज कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो इफ यू रिमेम्बर परसों जब हमने ये सब फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, तभी मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया था. मैंने बोला था कि दो अलग इंक्लाइन प्लेन देंगे और बॉडी सेम बोल देंगे, तो वी सेम है, ए सेम नहीं है क्योंकि ए भी किस पे डिपेंड करता है, साइन थीटा, और टी भी सेम नहीं है क्योंकि जहां जहां थीटा का डिपेंडेंस होगा वो सेम नहीं होगा, राइट. तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था इन द फॉर्म ऑफ टेबल. आने वाले तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन वैसे ही है सब, जो हमने ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला डिस्कस की है. तो जस्ट रिमेम्बर दिस बेसिक थिंग्स. गुड. और एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था कि आपको चार बॉडीज दे देंगे, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर. बोलेंगे चारों के चारों सेम इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहे हैं, विच वन ऑफ दोज विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी. सॉलिड स्फीयर, वो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा. आई हैव स्किप्ड इट. ओके, था वो क्वेश्चन, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है सॉलिड स्फीयर. तो नाइन्थ के बाद टेंथ क्वेश्चन में वही क्वेश्चन था. यू हैव थ्री डिफरेंट बॉडीज, दे आर रोलिंग डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन. एक था रिंग, एक था डिस्क, एक था सॉलिड स्फीयर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी? सॉलिड स्फीयर. और सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप, अभी उल्टा है, पहले रोल्स डाउन था, अब रोल्स अप. An inclined plane of inclination theta with initial velocity v. How far does the cylinder go up the plane? Very good. अभी एक चीज समझ लो, इसको बोलते हैं joke करना, joke, because they are joking with you. आपने जो केस सीखा है ना, उसमें आपने ये केस सीखा है, body starts from up and it goes down. ऊपर वेलोसिटी होता है जीरो, यहां तक आते आते बन जाता है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. रोलिंग डाउन, रोलिंग डाउन में पता है क्या हुआ था?
जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट पे काइनेटिक नहीं था क्योंकि एट रेस्ट है, ओनली एनर्जी वॉज पोटेंशियल, और बी पॉइंट पे ओनली एनर्जी इज काइनेटिक, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। अब द प्लेन भी वही है, अब द प्लेन में उल्टा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, मतलब अल्टीमेटली टोटल एनर्जी का कॉन्जर्वेशन ही है, तो नो चेंज, एब्सोल्यूटली नो चेंज, सेम चीज है, सब कुछ सेम है। तो अब एक चीज याद रखो, और डिराइव करना है तो मैं करके दे सकता हूँ, इट विल वेस्ट योर टाइम। क्या करोगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज ओनली काइनेटिक सिंस पोटेंशियल इज जीरो क्योंकि हाइट इज जीरो, राइट? तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r² करेक्ट, ऊपर जाएगा तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल एम जी एच। पूरा सॉल्व करके फिर तुमको वही मिलना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वी है, तुमको वही मिलना है, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh/(1 + k²/r²। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड इज अप द प्लेन हो डाउन द प्लेन हो, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, सिर्फ सिर्फ एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव क्योंकि इन दिस केस ए इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा तो रिटार्ड होगा, तो ओनली डिफरेंस इस केस में एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। अब क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के है ही क्या है, सो सिंपल। क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, हाउ फार, हाउ फार, हाइट नहीं पूछा, हाउ फार, हाउ फार मतलब ये पूछा है, ये हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड, हाउ फार मतलब डिस्टेंस कवर्ड। अब फिजिक्स का बात ये है कि तुम अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी गलती करते हो, हाउ फार ये समझ में नहीं आया तो तुमको समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला का यूज करना। आई विल टेल यू, हाउ फार तुमने पढ़ा मतलब समझ में आ गया डिस्टेंस है, और दिख रहा है v² इक्वल टू u² + 2as, v² इक्वल टू u² + 2as। इस केस में सिर्फ याद रखना इनिशियल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी वी है, ये याद रखना क्योंकि अप द इंक्लाइन प्लेन है। गुड, तो कंफ्यूजन का कोई केस बनना नहीं चाहिए, ये फाइनल ये इनिशियल, और आपको पता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो इसलिए मैं इसका सिंबल ही चेंज कर देता हूँ, बेटर नॉट टू गेट कंफ्यूज। अब ठीक है, व्हाट इज वी इनिशियल, वी व्हाट इज वी फाइनल, जीरो, तो वी फाइनल इज जीरो, वी इनिशियल इज वी स्क्वायर प्लस की जगह पे माइनस, क्यों माइनस, रिटार्डेशन, और ए क्या होगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / (s). तो ये ब्लॉक पूरा यहां लेके आ जाओ, तो यू विल हैव जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r² (s), राइट, इक्वल टू वी स्क्वायर, बराबर, ये पूरा का पूरा जाएगा वहां पे क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, एस हाउ फार मतलब हाउ मच इज डिस्टेंस, तो एस क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r², डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, जानबूझ के मैं पूरा फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, इट्स ऑन इंटेंशन, नहीं तो क्वेश्चन कब से खत्म हो गया। कौन सा बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर, व्हाट इज k² / r² फॉर सिलेंडर, हाँ सॉलिड सिलेंडर इज डिस्क 1/2, क्योंकि डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया होता है r/√2, तो के इक्वल टू r/√2, तो k² = r² / 2, तो k² / r² = 1/2, तो वी स्क्वायर 1 + 1/2 अपॉन जी साइन थीटा, दिस इज 3/2, तो 3/2 वी स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा, एंड ऑफ द क्वेश्चन। नहीं है यहाँ, अच्छा ये -2, तो हमने 2 छोड़ दिया, अच्छा तो 2 भी लिखना पड़ेगा फिर, लिख लो फिर, लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे 2 लिखोगे बराबर, नहीं सही है कि नहीं, पक्का श्योर, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 3/4,
अच्छा 3/4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड गुड। अब दैट इज राइट, फाइन, दैट इज गुड। जस्ट अभी कर ही रहे तो फिर पूरा ही कर लेते हैं सॉल्व। व्हाट अबाउट हॉलो स्फीयर, ओ सॉरी हॉलो सिलेंडर? नहीं, मुझे आंसर चाहिए, आई एम आस्किंग यू आंसर डायरेक्टली। हॉलो सिलेंडर इज रिंग, रिंग का के स्क्वायर बाय स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 2 कैंसिल होता है, वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। वी स्क्वायर बाय जी साइन थीटा है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर हॉलो स्पीयर होता तो के स्क्वायर बाय स्क्वायर 2/3, 2/3 + 1 5/3, और नीचे 2 है 5/6, वो भी नहीं है, नहीं। लेकिन ऐसा सॉल्व कर सकते हो, सॉलिड 2/5 + 1 7/5, और नीचे 2 है 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुप? हुप इज रिंग, हुप इज लूप, लूप इज रिंग, तो हुप लूप रिंग, व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? 1, गुड। तो अगला क्वेश्चन, जो अ हुप मतलब लूप मतलब रिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर वेग्स 100 किलोग्राम, इट रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन नहीं है, यू हैव हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास का स्पीड मतलब ट्रांसलेशनल स्पीड, मतलब वी की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट? अभी लॉजिकली स्पीकिंग मैंने कल बताया था शायद आपको, एक गाड़ी आ रहा है सामने से और आपको उसको रुकाना है। सपोज अ व्हीकल इज मूविंग एंड यू वॉन्ट टू स्टॉप इट, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप दैट व्हीकल? चलो थोड़ा और इजी कर देते हैं, लेट अस टेक इट मोर इजी वे। समवन इज पुशिंग यू एंड यू वॉन्ट टू स्टॉप इट, हाउ मच वर्क यू हैव टू डू टू स्टॉप? इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है, मूविंग मतलब काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकना है तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? एक हुप है, हुप मतलब लूप है, और वो लूप इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यू वॉन्ट टू स्टॉप इट। तो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, क्योंकि ये रोलिंग मोशन है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। सिंपल, तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन? हाफ, बस खत्म। 1 + k² / r² हाफ mv स्क्वायर, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल होता है ना, रोलिंग मोशन इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो रोलिंग मोशन का एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर 1 + k² / r² मैंने अभी बताया। हुप मतलब लूप, लूप मतलब रिंग, k² / r² इज 1। मास कितना दिया हुआ है? 100। वी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब कितना मीटर पर सेकेंड? 0.2, 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सही है। 0.2 मतलब 2 × 10⁻¹, इसका क्या करोगे? स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि k² / r² इज, तो ये अब 10⁻², 10⁻², गया 2 का स्क्वायर 4/2, क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो तो क्या बचा? 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं, नेक्स्ट टाइम से यू रिमेम्बर दिस ट्रिक, उसको ऐसे ट्रिक याद करोगे तो एग्जाम में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अ बॉडी इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनरी स्टेट, देन द बॉडी इज। अब सबसे पहले आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मतलब के ई रोट
is equal to 40% of kinetic energy of translation, right? Then the body is, body कौन से टाइप का है वो आपको पता लगता है, के वैल्यू से या फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से। तो जब बोला होगा विच टाइप ऑफ बॉडी, तो क्या फाइंड करोगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको बहुत बार बताया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वो टेबल बनाया था तभी बता दिया था मैंने आपको, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई होता है एम के स्क्वायर। I am writing this for the last time. इसके बाद I want you to know this by default, क्योंकि easy होगा। So you must remember, ये होता है half I omega square, half m k square, because I is m k square, omega is v by r, so v square by r square। मैंने यही डायरेक्ट लिखा था, क्या लिखा था मैंने, सेम। इससे भी फास्ट करना है तो उससे फास्ट भी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन is kinetic energy of translation into k square by r square। तो ये tricks अभी develop कर लो। What is kinetic energy of rotation? Kinetic energy of translation into k square by r square। Rotational kinetic energy is translational kinetic energy into k square by r square। Good, good। तो याद रहेगा। तो I'll not write down here। तो ठीक है। 40% मतलब 40/100। That is kinetic energy of translation। तो हो गया ना खत्म, कैंसल और कैंसल, टू जा एंड फाइव जा, के स्क्वायर बाय टू बाय फाइव मतलब सॉलिड बॉल, एंड डन, खत्म। गुड, व्हाट अबाउट 50%, 1/2 डिस्क मतलब सिलेंडर, बेसिकली इन दिस केस इज सॉलिड सिलेंडर। हाउ अबाउट 66%, इज 2/3 हॉलो बॉल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रोटेशनल डायनामिक्स इन रियलिटी सबसे सिंपल चैप्टर है, अगर आपको बेसिक बेसिक आइडियाज पता है तो। ऑफ कोर्स दैट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग ऑल दिस क्वेश्चन टुडे, क्योंकि ट्रिक्स अभी मिल गए आपको। अगला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ two rotating bodies A and B are IA and IB, where IA is greater than IB. If the angular momentum are equal, then कल ही सॉल्व किया था, कल सॉल्व किया है, नहीं याद, नहीं तो बता देता हूँ। Kinetic energy of rotation is half I omega square. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई, आई ओमेगा इज एल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन टू आई, सही है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या बोला है, इक्वल, इक्वल मतलब क्या, कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट एल भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। तो बताओ आई ए ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विल बी लेस देन दैट ऑफ ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। नेक्स्ट,
अभी सेम फॉर्मूला, सिर्फ पिछले केस में क्या कांस्टेंट था, एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोला होगा। टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई एन टू आई रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल देन एंगुलर मोमेंटम आर इन द रेशियो। अभी वही तो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय टू आई, मतलब आई इक्वल टू एल स्क्वायर बाय टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मतलब एल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई। तो एल वन बाय एल टू इज रूट ऑफ आई वन बाय आई टू। वट इज आई वन आई, वट इज आई टू टू आई, आई आई बाय बाय कैंसिल हो गया, वन बाय रूट टू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ना, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ बॉडी। जैसे यहां पे बोला है एंगुलर मोमेंटम सेम, तो सेम कहीं भी नहीं बोला, डिस्क है कि रिंग है कि हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है, एनी टू बॉडीज। इसके बाद का क्वेश्चन में भी एनी टू बॉडीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द बॉडी। और सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर पढ़ते ही यू शुड रिमेम्बर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज वन बाई टू। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक्सेलरेशन इज जोक जोक जोक, ओनली इफ यू अंडरस्टैंड जोक्स ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वन बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू टू गया ऊपर, तो टू बाय थ्री जी साइन थीटा, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग, डन, खत्म। अब अगेन दिस क्वेश्चन, ये हम लोग यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ ट्रिक। तो मैंने आपको पहले बताया था, आई विल रिपीट अगेन, ऑन एन एवरेज लेट अस से सीईटी में यू हैव 60 मिनट्स फॉर फिजिक्स, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए आइडियली, ठीक है 60 मिनट्स, तो 50 क्वेश्चंस है। व्हाट इज एवरेज टाइम, 1 मिनट एंड फ्यू सेकेंड्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 10 सेकेंड के अंदर खत्म करने होते हैं, तो जो आज हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं 80% आर दोज टाइप्स, तो उसके लिए ट्रिक्स चाहिए। तो ये ट्रिक्स कैसे बनते हैं देखो, अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मैं बॉल नहीं मैं बोलूंगा बॉडी, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेसिफाई द शेप, डिस्क है, रिंग है, बॉल है, हॉलो बॉल है, सॉलिड बॉल है, जो भी है, लेकिन आई विल से बॉडी क्योंकि जनरलाइज करना है, ये फॉर्मूला जनरलाइज करना है हमको। विदाउट स्लिपिंग द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के, द रेडियस ऑफ द बॉल बी आर, देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशन इज। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी ऐसा बोला हो ना, द फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, मतलब वो समथिंग इज इन द डिनोमिनेटर, क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब नीचे क्या है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन, तो ऊपर कौन है, रोटेशन। अगर बोला होता एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, तो ऊपर क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशन। रोटेशन याद है आपको, हाफ एम वी स्क्वेयर के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर अपॉन हाफ एम वी स्क्वेयर वन प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, क्योंकि टोटल एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है, दैट इज वाई नीचे वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा। तो हाउ अबाउट दिस, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस
तो क्या आ गया, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सी गुड। अब वेट 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 वेट, आई टेल यू कि क्या नहीं करना है आपने। ये था क्वेश्चन, ऐसा था तो तुमने कर लिया, बट वेट वेट, ऐसे क्वेश्चंस में स्टॉप एट दिस पॉइंट। ई रोटेशन अपॉन ई टोटल, दिस इज इक्वल टू, यहीं पर रुक जाओ, आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन के लिए हमको ऐसा करना पड़ा, दैट इज फाइन। ऐसा क्यों? रिंग 1/2, वैसे पता ही था, हाफ हाफ 1/2, टोटल कितना था एम वी स्क्वायर। हाफ कहाँ से आ रहा है रोटेशन से, हाफ कहाँ से आ रहा है ट्रांसलेशन, वो टेबल ही है ये, वो टेबल हमने बनाया था वही है ये, डिस्क 1/2 और 3/2, क्योंकि 1 + 1/2, 1/2 upon 3/2, 1/2 upon 3/2, 1/2 upon 3/2, 1/3, तो 1/3 आ रहा है रोटेशन से, तो 2/3 कहाँ से आएगा, ट्रांसलेशन से, राइट। हॉलो स्फीयर 2/3, 5/3, 2/3, 5/3, तो 2/5, 2/5 इज 40%। सॉलिड स्फीयर 2/5, 7/5, 2/7, ये है रोटेशन का। व्हाट अबाउट ट्रांसलेशन, वो तो ज्यादा सिंपल है। ट्रांसलेशन अपॉन टोटल, ये ज्यादा सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r² सही है, कैंसल एंड, सो ओनली 1 upon 1 + k² / r² गुड। रिंग 1/2, डिस्क 2/3, अरे वहां 1/3 आया था तो ये 2/3 आएगा ना, रोटेशन कितना परसेंट आया था आपका 2/3, तो ये कितना है 1/3, उल्टा होगा ना, अगर ये 1/3 तो वो 2/3। अब डिस्क के लिए k² / r² कितना है 1/2, 1/2 + 1 3/2, तो 2/3, ये 2/3 तो ये 1/3, वही था वैसा, करके देख लो। डिस्क के लिए ये कितना था 1/2, ये कितना था 3/2, कितना आया ट्रांस रोटेशन, कितना आया 1/3, तो फिर ट्रांसलेशन कितना होगा 2/3, सही है गुड। तो ऐसा करते रहो। अब दूसरी चीज ये है, जैसे आपको पूछा है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, k² upon k² + r² ये क्या पूछा था आपको, रोटेशन टू टोटल, ट्रांसलेशन टू टोटल पूछा था, पता है क्या था, r² upon k² + r² उस केस में आता ऑप्शन नंबर डी। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड एंड वेरी सिंपल। 5 particles of mass 2 kg आर अटैच्ड टू द रिम ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 एंड नेग्लिजिबल मास। मोमेंट of inertia of the disc about an axis passing through the center of the disc and perpendicular to the plane is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पूरा समझ में ले लो, इजी है। क्या बोला है आपको, एक डिस्क है, इसका मास क्या है, निग्लिजिबल है, मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, करेंगे करेंगे बाद में करेंगे। फिर बोला है इसके रिम पे, मतलब पेरीफेरी पे, बाउंड्री पे 5 particles है, और लकीली पांचों का मास है सेम। हमारा काम कर दिया इन्होंने आसान, दे आर ट्राइंग टू मेक आवर वर्क प्रीटी सिंपल, एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब ऐसा है, ये पांचों के पांचों मास, इन सब का डिस्टेंस है सेम आर, दैट इज रेडियस ऑफ द डिस्क, और पांचों के पांचों मास का मास भी क्या है सेम, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर ऐसा है तो पहले मैं पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन आई विल टेल यू टू सॉल्व बाय अ ट्रिक। आ जाएगा I1 + I2 + I3
प्लस आई फोर प्लस आई फाइव, और अगर 10 देंगे तो आई 10 तक जाते जाना। पर क्या है ना, ये सब सेम है, क्यों? क्योंकि मास क्या है, डिस्टेंस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास का क्या होता है एम आर स्क्वायर, क्या होता है एम आर स्क्वायर, क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो 5 mr2 सिंस आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आई फाइव इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो 5 बार mr2 हो गया, तो टोटल आएगा 5 m। व्हाट इज मास ऑफ ईच पार्टिकल गिवन टू यू, 2 kg, और ये 0.1 है, मतलब 10^-1 है इसका स्क्वायर, तो ये 10 है, ये 10 है, और ये 10^-2 है, तो 10^-1 मतलब 0.1 kg m² इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर इसमें ऐसा बोला होता कि डिस्क का भी मास है तो ½ mr² ऐड होता, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस mr² / 2, वो m और पॉइंट मास का m, दे आर नॉट सेम, वो डिस्क का मास होता अलग से, तो उसमें सिर्फ आप प्लस करोगे mr² / 2, राइट? तो एज अ ट्रिक 10 दिए होते तो 10, तो 5 की जगह पे लिखोगे 10, तो यहाँ पे आएगा 10 × 2 × 10^2, राइट? क्लियर, राइट? तो एज अ ट्रिक नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं करना, ये लिखना भी नहीं होता है। 5 पॉइंट मासेस थे, डिस्क का मास निग्लिजिबल था, पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर होता है, मास सबका सेम है, सब पेरी फेरी पे है, मतलब रिम पे है, 5 mr2, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, पॉइंट टू कितना है 10, आर कितना है 0.1, उसका स्क्वायर 10^-2, 10^-2 और 10^-1 0.1, कहता हूँ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी, वेरी गुड एंड सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसा है, ये एक डिस्क है, यू नो वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, ये दिया है, और आपको बोला है वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट अ पॉइंट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर बोला है ना, एंड थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम, मतलब टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, रिम मतलब सर्कमफेरेंस, वहां से जो लाइन पास होगी वो कौन होगा, टैंजेंट। टैंजेंट दो टाइप के देखे थे, कौन से दो, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, इन्होंने बोला है ना परपेंडिकुलर, तो क्या फाइंड करना है आपको, अबाउट दिस पॉइंट फाइंड करना है। सी द आइडिया हियर इज अगेन, बेसिक्स बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, ये तुमको पता होना चाहिए। अब एट दिस स्टेज IC/2, डिस्क का IC होता है mr2, तो इसको नाम क्या दिया है पता है, आईडी को क्या बोला है इन्होंने, आई, तो आई कॉल दिस एज आई mr² / 4, तो व्हाट इज mr² फ्रॉम हियर, 4i, इक्वेशन नंबर 1, एंड देन दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, वो तो तुमको पता ही है ना, कितनी बार तो सॉल्व कर लिया हमने, IC + mh², IC क्या है mr² / 2, mh क्या था, एच क्या था, आर था, तो कितना आ गया 3/2 mr², लेकिन ये mr² क्या है 4i, क्या है 4i, 1 and 2 था, तो आंसर क्या आएगा 6i आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो IC इज दिस, तो लेट अस से ये सेम क्वेश्चन रिंग के लिए बोला होता, रिंग IC mr² और नीचे 2 था, तो mr² / 2, तो यह आता 2i, क्या आता ये 2i, क्या आता ये 2i, ये 2i बन गया, ये mr² + mr², हाँ, अरे mr² और mr² 2 mr² 2
2 mr square 2 आया था, 22 4, उस केस में आंसर आता ऑप्शन नंबर डी। अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg/m² रोटेटिंग विथ एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 rads/s हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एस मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ। तो पहले तो बताओ क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, क्या बोलना चाहते हैं? हु कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ओके ठीक है। नो नो, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब द बॉडी इज प्योरली रोटेटिंग, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर बॉडी। देखो क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 kg/m² रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 rads/s हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर वर्ड यूज किया गया नहीं, तो मतलब ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन। तो पहले बॉडी का रोटेशनल एनर्जी और दूसरे बॉडी का ट्रांसलेशनल एनर्जी ये क्या है, सेम है। व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। गया गया, व्हाट इज आई वैल्यू गिवन टू यू? दिया है बताओ 3, और व्हाट इज ओमेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। व्हाट इज मास ऑफ अदर बॉडी? 12, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर। दिस इज 12, दिस इज 12, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वी इक्वल टू 1 m/s, 1 m/s। ऑप्शन नंबर डी।